तो राज जी, आज का क्या शेड्यूल है हमारा? सर आज आपका फर्स्ट डे है, हमने रिफाइनरी विजिट का प्लान किया है सर। ओके, तो कौन सा यूनिट आज हम विजिट करने जा रहे हैं? सर सामने डीएसडीएस यूनिट आता है, वही हुआ था। ओके चलिए चलते हैं। अरे राज जी, ये क्या है, यहाँ पर इतनी गंदगी क्यों पड़ी हुई है? क्या ऐसे आप स्वच्छ भारत अभियान को सफल बना पाएंगे? ये सर, ये पॉइंट टू बी नोटेड सर। दरअसल ऐसा है सर कि स्वच्छ भारत पे हम काफ़ी कुछ कर रहे हैं, प्रयासरत हैं, और अनफॉर्चुनेटली आज आपके फर्स्ट विजिट के टाइम में आज इस तरह कूड़ा करकट सामने दिखाई पड़ रहा है। रिसेंटली सर हमने एक कॉन्ट्रैक्ट लाइनअप किया हुआ है, वहाँ के जो लेबर्स हैं उनके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो वो नियमित रूप से आ नहीं रहे सर। तो फिर भी सर मैं अपने में ट्राई करता हूँ, अपडेट्स आपको देता हूँ सर, मैं देखता हूँ। देखिए, ऐसे एक दूसरे को ब्लेम करने से काम तो चलेगा नहीं, स्वच्छता तो हम सभी की जिम्मेदारी है ना। और अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर और लेबर के भरोसे हम बैठे रहे तो हमारा परिसर स्वच्छ कैसे बनेगा? हम इस बारे में क्यों नहीं सोचते कि अगर हम गंदगी करें ही नहीं तो हमें इतनी सफाई की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्यों? मैं सही नहीं कह रहा हूँ? जी बिल्कुल सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप जल्द ही इस विषय पर कुछ करेंगे। जी सर बिल्कुल। ठीक है चलिए चलते हैं आगे। अरे रुकिए जरा, ये ऑपरेटर मुझे कुछ परेशान सा दिखाई दे रहा है, जरा देखते हैं इसकी क्या परेशानी है। उड़ी बाबा, ये मशीन कैसे स्टार्ट करूं आज, कुछ पता नहीं लग रहा, कौन सी बटन दबाऊं, नीचे या ऊपर? अरे यार बॉस भी नहीं आया आज, किससे पता करूं? ये भगवान तू ही बता कुछ। अरे यार वो तो आएंगे नहीं। अच्छा याद आया, अपने साथी से जाके पूछता हूँ। अरे प्रभात जी, आपके एरिया में तो ऑपरेटर को मशीन स्टार्ट करना ही नहीं आता है। आप बोलते हैं प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, ऐसे कैसे प्रोडक्शन बढ़ाएंगे आप? सर मुझे ये लगता है कि अभी ये ऑपरेटर भी नया नया आया है, इसको भी मशीन कैसे ऑपरेट करना है इसका भी आइडिया नहीं होगा। आई थिंक इसको कैसा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो उसको अभी तक पता आई थिंक नहीं होगा अभी। अरे बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के, बिना SOP मैनुअल के आपने न्यू ऑपरेटर को मशीन पर भेज कैसे दिया? अगर अभी वो कुछ उल्टा सीधा कर दे तो उसकी जिम्मेदारी तो हमारी होगी ना। नहीं सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं अभी इसके कंट्रोलिंग ऑफिसर से बात करता हूँ कि अभी तक इसको SOP क्यों नहीं मिला। ठीक है प्रभात जी, मैं आपसे ऐसी उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही जल्द आप इस समस्या का समाधान ढूंढेंगे, और आप ये मुझे इंश्योर करेंगे कि जैसे ही कोई अगर ऑपरेटर आता है तो पहले उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो और उसके साथ ही साथ उसे एक स्टैंडर्ड SOP प्रोवाइड कराया जाए। जी सर बिल्कुल जरूर। बिल्कुल चलिए चलते हैं। गुड मॉर्निंग सर। अरे गुप्ता जी आइए आइए बैठिए, बताइए कैसे आना हुआ? सर आपको आज की मीटिंग के बारे में बताना है सर। कैसी मीटिंग? सर हल्दिया रिफाइनरी में वर्षों से प्रत्येक महीने के पहले तारीख को सेफ्टी मीटिंग होती है सर, जिसमें हम एक स्पेसिफिक थीम के बारे में चर्चा करते हैं और उसके लिए काम करते हैं सर। जी आज की मीटिंग का थीम क्या है? सर सेफ्टी विथ हाउसकीपिंग सर हमारा थीम है आज का। अरे बहुत ही अच्छा विषय है, चलिए बताइए मीटिंग कहाँ पे है आज? सर OMS के कॉन्फ्रेंस हॉल में होगा सर। ओके ठीक है, टाइमिंग क्या है आज की मीटिंग का? सर 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा सर हमारा मीटिंग। ठीक है गुप्ता जी, जब भी आप जाइएगा तो मुझे साथ में लेते चलिएगा। ठीक है सर धन्यवाद। ओके गुप्ता जी। सर चलिए सर टाइम हो गया सर। जी गुप्ता जी चलिए, वैसे आज की मीटिंग के बारे में बहुत ही एक्साइटेड हूँ सर। आई एम टू एक्साइटेड सर। ओके मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन।
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे हल्दिया रिफाइनरी में प्रत्येक महीने की एक तारीख को सेफ्टी मीटिंग का आयोजन किया जाता है और आज महीने की एक तारीख है। तो मैं आग्रह करूंगा राजकुमार सर से कि सेफ्टी मीटिंग के लिए सेफ्टी प्लेज पढ़ने की कृपा करें और अन्य सदस्य उनका सहयोग करें। इस दिन पर मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं सभी सुरक्षा नियमों का पालन करूंगा। और इसके साथ ही मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा जिससे मेरी एवं हल्दिया रिफाइनरी की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। और मैं पुनः प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपने परिवार, अपने संगठन और सबसे अधिक राष्ट्र के हित को ध्यान में रखते हुए आग और दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए मैं वह सब कुछ करूंगा जो आवश्यक होगा। धन्यवाद। अब मैं ईडी सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की मीटिंग के थीम सेफ्टी विद हाउसकीपिंग पर अपने विचार प्रकट करें। नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अरे आप सभी लोग खाना खा पी कर आए ना। अच्छा, कोई मुझे बताना चाहेगा कि हमारी हल्दिया रिफाइनरी की टैगलाइन क्या है? इग्नाइटिंग माइंड्स एनर्जाइजिंग लाइव्स है सर। तो आप सभी भी एनर्जाइज्ड और इग्नाइटेड लगने चाहिए ना। यस सर, बिल्कुल। अरे आप सभी एनर्जी प्रोवाइडर ऑफ इंडिया हैं। चलिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज मेरा हल्दिया रिफाइनरी में पहला दिन है और मुझे गुप्ता जी से पता चला कि यहाँ की पहली तारीख को हम सेफ्टी मीटिंग का आयोजन करते हैं, जो कि एक बहुत ही सराहनीय कदम है। अच्छा, आप में से कोई मुझे यह बताना चाहेगा कि हम ये सेफ्टी मीटिंग हर महीने को रखते हैं? चलिए मैं ही बताता हूँ। अगर हम किसी काम को बार बार करते हैं तो वो काम हमारी हैबिट बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता है? बनता है सर। और वही हैबिट हमारी एक्सेलेंसी में बदल जाता है। बदल जाता है कि नहीं बदल जाता है? बदल जाता है। तो उसी तरह अगर हम अपनी इस सेफ्टी मीटिंग को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये सेफ्टी हमारी एक्सेलेंसी बन जाएगी। मैं हमेशा कहता रहता हूँ, कॉस्ट ऑफ डिसिप्लिन इज ऑलवेज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ रिग्रेट्स। अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात और पूछना चाहता हूँ कि अगर ये सेफ्टी मीटिंग हम एक कॉन्फ्रेंस हॉल की बजाय अगर किसी ओपन यूनिट में करें तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा सर। आई थिंक दैट वुड बी बेटर सर। क्या प्रभाजी, आप क्या कहते हैं? सर, मुझे ऐसा लगता है कि बाहर करना चाहिए सर। तो क्या आपने अपने विचार पहले किसी से व्यक्त किए? सर, मुझे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला जहाँ मैं अपनी बात रख सकूँ। अरे गुप्ता जी, इस रिफाइनरी में कोई ऐसा फोरम नहीं है क्या जहाँ पर हर एक इंडिविजुअल अपनी बात को प्रकट कर सके? नहीं सर, अभी तक तो ऐसा कोई नहीं है प्लेटफॉर्म सर। तो क्या कोई ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म होना चाहिए? जरूर होना चाहिए। ठीक है गुप्ता जी, आप एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म बनाइए और उसका नाम आमान विचार रखिए, जहां पर हर एक इंडिविजुअल अपनी बात को प्रकट कर सके। जी सर, जल्दी से जरूर आप करते हैं। चलिए, इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि अगली सेफ्टी मीटिंग किसी ओपन प्लेस पर होगी और आप लोग सेफ्टी नियमों को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएंगे और स्वयं तथा रिफाइनरी की सुरक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहेंगे। जी जी सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। राजकुमार जी, हमारे नए जो ईडी आए हैं, हमको तो लगता है बहुत अच्छे अच्छे जवाब दे रहे हैं जिस तरह से पहली मीटिंग में। आपको क्या लगता है? हाँ जी प्रभात जी, आपने बिल्कुल सही कहा, काफ़ी इफेक्टिव सुझाव उन्होंने दिए हमें, एंड आई थिंक दिस विल गो अ लॉन्ग वे इन ब्रिंगिंग इन सम गुड चेंजेस इन आवर रिफाइनरी। जी, मुझे भी ऐसा लगता है कि हमारी रिफाइनरी इनके मार्गदर्शन में और प्रगति करेगी। मुझे हमारे नए ईडी साहब बहुत पोलाइटली लग रहे हैं। So big round of applause for the boys. ये यंग लड़के इन्होंने अभी रिसेंटली इंडियन ऑयल।
चलिए सर, मीटिंग स्टार्ट होने वाली है सर। जी आज देखते हैं ओपन हॉल मीटिंग कैसी रहती है। सर अच्छी रहेगी सर। अरे एक सेकंड, ये तो वही ऑपरेटर है ना, आज जरा खुश लग रहा है, देखते हैं इसके क्या विचार है आज। अरे वाह, कितनी अच्छी चीज है एसओपी। जब से ये एसओपी हमें मिला है, हम जैसे ऑपरेटर का काम कितना आसान हो गया है। अब मैं इस कठिन सी मशीन को भी आराम से ऑपरेट कर सकता हूँ। हमारे बॉस तो बिल्कुल बहुत धन्य आदमी है जो हमें ये एसओपी देकर हमारा काम कितना आसान कर दिया है। यार अब तो ऐसा लगने लगा है काम करने में इंडियन ऑयल में और मजा आएगा। अरे वाह गुप्ता जी, देखिए एसओपी के कितने फायदे हैं। हाँ सर, एसओपी से काम आसान हो गया है सर। अरे गुड मॉर्निंग प्रभात जी। सर मॉर्निंग सर। साथियों, आज हम मंथली सेफ्टी मीटिंग के लिए पहली बार ओपन प्लेस पे एकत्रित हुए हैं, जिसका थीम वर्किंग एट हाइट है। साथियों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वर्किंग एट हाइट इज द वन ऑफ बिगेस्ट कॉज ऑफ ऑक्यूपेशनल फैटलिटीज एंड मेजर इंजरीज इन इंडस्ट्री। इसलिए जरूरत है कि जब कभी भी हाइट पर वर्क करना हो तो प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशंस, प्रॉपर रिस्क एनालिसिस, हजार्ड आइडेंटिफिकेशंस और प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। अरे एक सेकंड गुप्ता जी। जी सर। वो व्यक्ति इतनी हाइट पर बिना सेफ्टी बेल्ट की एंकरिंग किए हुए काम कर रहा है, उसको बुलाइए जरा इधर। अरे जनाब आप इधर आइए। अरे आप इतनी हाइट पर बिना सेफ्टी बेल्ट के एंकरिंग किए हुए काम कर रहे हैं, आपको अपनी सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह नहीं है क्या? अरे जब आपको ये सेफ्टी बेल्ट मिला है तो आपको इसकी एंकरिंग करने में क्या प्रॉब्लम है? आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिली है ना? मिली है सर। तो फिर आपको ये तो स्वयं की और अपने साथियों की सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। ऐसी गलती दोबारा होगी क्या? नहीं सर। ठीक है आप जा सकते हैं, लेकिन अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर को मुझे रिपोर्ट करने के लिए बोल दीजिएगा। ठीक है मिस्टर गुप्ता जी, मैं कंटिन्यू ना। जी सर। साथियों, जैसा कि आपने देखा कि छोटी सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना की वजह बन सकती है, इसलिए जरूरी है कि हम लापरवाही ना करें। अगर हम वर्किंग एट हाइट से होने वाली दुर्घटना के कंसिक्वेंस के विषय में बात करें तो इससे होने वाली इंजरीज डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर पर निर्भर करती है, जैसे कि डिस्टेंस फॉलन, कितनी हाइट से कोई वस्तु गिरती है, नेचर ऑफ सरफेस लैंडेड, हाउ द पर्सन लैंड्स एंड एज एंड हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल्स। इसलिए जरूरी है कि हाइट पर वर्क का परमिट देते समय और काम करते समय सभी स्टैंडर्ड गाइडलाइंस का फॉलो करें, ताकि दुर्घटनाओं से हम बच सकें। मैं आशा करता हूं कि आप सभी मिलकर खुद को सुरक्षित रखेंगे और अपने रिफाइनरी को सुरक्षित रखेंगे। बहुत बढ़िया गुप्ता जी, बहुत बढ़िया। अरे हाँ हाँ भाग्यवान, आज मैं टाइम से ही घर आ जाऊंगा। ओके 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 ओके। अरे बाप रे, ईडी सर तो यहाँ पे खड़े हैं, आज तो मर गया मैं। महानुभाव जरा इधर आइए। ये कैसे हेलमेट पहन रखा था आपने? सॉरी सर। अरे और ये बताइए कि आप ये फोन बीए गेट के अंदर लेकर कैसे आ गए? क्या आपको फायर एंड सेफ्टी की ट्रेनिंग नहीं मिली है? क्या आपको डिफरेंट डिफरेंट केस स्टडीज नहीं पढ़ाई गई है? सर मिली है सर। तो क्या चाहते हैं आप, अगले साल से इतिहास में आपकी केस स्टडी पढ़ाई जाए? सॉरी सर, ये गलती आगे से नहीं होगी। अजय जी। हाँ सर। आप ये इंश्योर करें कि आगे से कोई भी न्यू जॉइनी रिफाइनरी में आता है तो उसकी मिनिमम 7 दिन की फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग हो। जी सर। और कोई भी व्यक्ति का ट्रांसफर के थ्रू भी आता है तो उसकी पहले फायर सेफ्टी में ट्रेनिंग होगी, उसके बाद ही वो रिफाइनरी ज्वाइन करेगा। जी सर जरूर। ओके। अरे प्रभात जी, आपको इस मोटर की साउंड थोड़ी एबनॉर्मल नहीं लग रही है? जी सर, लग तो रही है एबनॉर्मल। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इस मोटर का शाफ्ट मिसअलाइंड हो सकता है, या फिर इसमें लूज कपलिंग और अनबैलेंस्ड वोल्टेज भी इसका कॉज हो सकता है। हाँ सर बिल्कुल। तो आप जल्दी से जल्दी इसको रेक्टिफाई करवाइए। जी सर, मैं देखता हूँ। जी, तो मैं आप सभी से आशा करता हूँ कि आप आगे भी इस तरह की सेफ्टी मीटिंग ओपन प्लेस में कंटिन्यू रखेंगे। जी सर जरूर। थैंक यू। थैंक यू सर। अपना अपना प्लीज इंट्रोडक्शन दें। सर आई एम अभिषेक मीना, रिसेंटली जॉइंड आईओसी एज अ जेई। मेरा नाम आयुष शर्मा है और मैंने भी अभी रिसेंटली आईओसी को ज्वाइन किया है। मेरा नाम पुष्कर राणा है, मैंने रिसेंटली प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में अभी हल्दिया रिफाइनरी ज्वाइन किया है।
Sir, I am Ajay Kumar Gupta. I am from Balia and I recently joined IOCL Haldia. Sir, my name is Rishikesh. I recently joined Haldia Refinery. Sir, Rajkumar Sahak India Adhikari, Haldia Refinery. मैं चाहूंगा जोरदार ताली हो जाए. थैंक यू वेरी मच.